जय हिंद। सुनिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीलेट एग्जाम डेट 2024 के बारे में। आप ऐसे काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर परेशान है कि आखिरकार बिहार डीलेट का एग्जाम कब से होगा, हम अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेंटेटिव डेट था वो आपको 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो 6 मार्च से नहीं होगा, नहीं आपका 12 मार्च तक एग्जाम होगा। तो फाइनली आपका एग्जाम होगा कब से, आज के इस वीडियो के माध्यम से लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। साथ ही हम लोग समझेंगे कि आखिरकार आपका फाइनल एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किया जाएगा, आखिरकार जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है आपको एग्जामिनेशन देने कहाँ जाना होगा, एग्जाम देने कहाँ जाना होगा, इसको लेकर हम लोग डिटेल में जानकारी समझने वाले हैं। तो अगर आपने बिहार डीलेट का फॉर्म फिलअप कर रखा है, एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार डीलेट से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। मैंने हिंदुस्तान न्यूज पेपर के रिकॉर्ड को ओपन कर रखा है जो कि कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया डीएलएड के लिए आवेदन शुरू और परीक्षा 6 मार्च से, यानी कि जो अभी 6 मार्च आने वाला है 2024 के, उसी के बारे में मेंशन किया गया। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो प्रवेश परीक्षा के लिए 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा अब नहीं। ठीक है, तो आपके मन में डाउट होगा कि सर आखिरकार एग्जाम होगा कब से और हम कब से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए मैं आपको उसको लेकर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में जानने के लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा dailyjobdekho.com, सर्च करके आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में सबसे पहले ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार डीलेट एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को ओपन कर लेना है। पेज को ओपन होने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आपके पास आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो आपका एग्जाम है वो कब से लिया जाएगा। तो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया कि देखिए जो आपका एग्जाम है वो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच प्रस्तावित था, लेकिन अब एग्जाम होगा नहीं। अब एग्जाम इसलिए नहीं होगा इस डेट में क्योंकि जब भी एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम के बारे में बात करें, टेस्ट एग्जाम के बारे में, तो आपको 15 से 20 दिन पहले ही आपको यहाँ पे नोटिस जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि हम इस दिन एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास एग्जाम जो देने की संभावना है, जो एग्जाम होने की संभावना है, वो आपको मार्च के लास्ट वीक में है, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 20 मार्च से पहले हो सकता है, या फिर अगर 20 मार्च तक एग्जाम आपका नहीं होता है तो फिर इसके बाद आपको होली आ जाता है, तो होली के बाद भी आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आपके मन में डाउट होगा कि सर आप हमें कंक्लूजन निकाल कर बताइए कि इसका अब आपके मन में डाउट होगा कि सर आप हमें कंक्लूजन बताइए कि आखिरकार इसका एग्जाम होगा कब से। तो मैं बता दूं कि अगर आपका एग्जाम 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच हो जाता है तो अच्छी है, और नहीं होता है तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा, अगर आपका एग्ज़ाम 15 से 20 मार्च के बीच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में होगा। फिर भी ये मालूम है कि मार्च के लास्ट में जो है आपका होली आ रहा है, यानी कि 24-25 शायद होली है, इसको लेकर यहाँ पर एग्ज़ाम जो है नहीं हो सकता है, और आपका एग्ज़ाम होगा तो आप मानकर चलिए कि 15 से 20-25 मार्च के बीच आपका एग्जाम हो सकते हैं, अदरवाइज जो आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आया है या फिर आप अपने मन से बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि देखिए ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन जब भी एग्जाम होता है ये आपको 10 से 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा नोटिस आया नहीं है। और जो पहले नोटिस था उसमें मेंशन किया गया था कि जो आपका एग्जाम होगा 6 मार्च से लिया जाएगा, जो कि 6 मार्च से एग्जाम होगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप अभी अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, जो आपका एग्जाम है वो मार्च के लास्ट वीक में हो सकता है या फिर अप्रैल में भी आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मेरे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपके मन में डाउट हुआ कि हम अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे, तो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे, जब तक आपका एग्जाम डेट ऑफिशियली आपको जारी नहीं किया जाता है तब तक आप नहीं जान सकते हैं कि आखिरकार हमारा एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई और नोटिस आता है या फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। अगर आपके मन में डाउट ये है कि सर आखिरकार हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दिया जाएगा, तो मैं बता दूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो होम सेंटर नहीं होगा,
होम सेंटर यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ पर आपको एग्जाम देने नहीं जाना होगा, आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। जैसे तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे कि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है या फिर कैमूर है, तो हमारा जो सेंटर है वो आपको रोहतास और कैमूर में नहीं दिया जाएगा, जो हमारा सेंटर होगा वो गया पटना ऐसे करके दिया जाएगा। यानी कि बिहार में ही आपका सेंटर रहेगा लेकिन होम सेंटर आपका नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अभी आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, अभी एग्जाम डेट को लेकर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को मैं देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी देने की कोशिश की है। इसके अलावा जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको मेंशन ही कर रखा है कि जो आपका एग्जाम है वो मार्च या फिर अप्रैल में हो सकता है। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको इस वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था, जो भी आपके डाउट होंगे बिहार डीलर से संबंधित आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।